विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल गंवाने के बाद अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे के लिए रविवार को रवाना हो गई। भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज खेलनी है, उसके बाद 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। सोमवार को भारतीय कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कुछ कहा। आपको बता दें कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टीम के सभी सदस्यों ने मुंबई एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए फ्लाइट पकड़ी। जाने से पहले टीम के कुछ सदस्य सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखे और तस्वीरें साझा की। कप्तान कोहली ने टीम के युवा खिलाड़ियों के साथ सेल्फी ली, जिसमें KL राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, खलील अहमद, मनीष पांडे और कृणाल पांड्या नज़र आ रहे हैं। फोटो को शेयर करते हुए विराट ने लिखा, मायामी बाउंड। इसके अलावा टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन ने भी ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की। चोट के बाद वापसी कर रहे धवन के साथ रोहित शर्मा भी नजर आए। धवन ने फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि वेस्टइंडीज के लिए मैं अपने पार्टनर हिटमैन के साथ तैयार हूं। बता दें कि धवन वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में अंगूठी में फ्रैक्चर के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दौरे पर जाने से पहले अपनी फैमिली के लिए एक इमोशनल मैसेज लिखा। दरअसल रोहित वेस्टइंडीज दौरे पर अपनी पत्नी और बेटी को काफ़ी मिस करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ एक फोटो पोस्ट कर लिखा, मैं अपने फैमिली को काफ़ी मिस करूंगा। हालांकि इस पोस्ट पर पत्नी रितिका का कमेंट भी आया। लेकिन बड़ी बात यह रही कि विराट और रोहित के बीच जिस तरह की तलखी के रिश्तों की खबरें सामने आ रही थी, वो विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो साफ कर दिया, लेकिन वेस्टइंडीज दौरे पर जाने से पहले दोनों ने एक साथ तस्वीर साझा नहीं की, जिसके बाद फैंस ने लगातार विराट से पूछा कि आखिरकार रोहित है कहाँ, और रोहित से पूछा कि विराट कहाँ है। यानी कि अब तक क्या ऐसा है कि विराट और रोहित के बीच कुछ सही नहीं है? अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये विवाद और आगे नया तूल पकड़ता है, या फिर भारतीय टीम एक बार फिर इन दो धुरंधरों के बल पर वेस्टइंडीज में किला फतह करती है। ANP न्यूज़ रूम से अभिलाष की रिपोर्ट।